Now, alkenes are unsaturated hydrocarbons that are formed by carbon-carbon double bond. The general formula is CnH2n, and they are obtained when two hydrogen atoms are removed from the parent alkane. A parent alkane जो है, suppose आप parent alkane, alkane का general formula है CnH2n plus 2, है ना? इसमें से अगर आप दो हाइड्रोजन माइनस कर देते हो, दो हाइड्रोजन माइनस हो गए तो क्या बचा आपके पास? CnH2n, which is the general formula for alkene. ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम. एग्जाम्पल वी टेक ऑफ इथेन. इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6. ठीक है, अब इस इथेन में से अगर आप दो हाइड्रोजन माइनस कर देंगे, माइनस टू हाइड्रोजन, तो यू विल गेट इथीन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4. ठीक है, ये पेरेंट इथेन में से आप दो हाइड्रोजन माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? इथीन C2H4. अब हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर. पहले हम इथेन का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. कितने कार्बन एटम है? दो. ये दो कार्बन एटम को कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? छह. वन हाइड्रोजन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. अब इसमें से ये इथेन में से हमको अगर हमने दो हाइड्रोजन माइनस कर डाले, ये निकाल दिए, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये जो वैलेंसी है, ये इधर आ गई और ये इधर आ गई, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड. सो हैव अ लुक, अगर इसमें से माइनस टू हाइड्रोजन कर रहे हो आप, सो यू विल गेट इथीन. है दो कार्बन, ठीक है, दो हाइड्रोजन हट गए तो ये तो बॉन्ड है ही एक, ओके, ये बॉन्ड है एक, और ये जो बॉन्ड खाली हो गया हाइड्रोजन निकालने से, वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई, वो सेकंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. दो हाइड्रोजन हट गए, बचे कितने हाइड्रोजन? चार. देखो, चार हाइड्रोजन लगाना है हमको अब. वन, टू, थ्री, फोर. कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? देखो, कार्बन के दो, तीन, चार हो गई कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई. सो यू गेट द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज इथीन. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. टेक अनदर एग्जाम्पल. वी टेक ऑफ प्रोपेन. नाउ प्रोपेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8, है ना? इट इज C3H8. अब इसमें से अगर आपने दो हाइड्रोजन हटा दिए तो आपको जो अल्कीन मिलेगा, देखो ANE, इथेन, ANE हटकर, ये ANE हटकर ENE लग जा रहा, उसी तरह प्रोपेन में ANE हटकर क्या बन जाएगा? प्रोपीन. सो प्रोपेन में से अगर आप माइनस दो हाइड्रोजन कर रहे हो तो यू विल गेट प्रोपीन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. कार्बन के एटम तो उतने ही है, C3, सिर्फ क्या कम हो रहा है? हाइड्रोजन दो कम हो गए तो हो गया C3H6. नाउ सी द फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेन. हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, सॉरी, हाउ मेनी कार्बन आर देयर? थ्री. वन, टू, थ्री. इन पे हमको कितने हाइड्रोजन अटैच करने हैं? एट हाइड्रोजन अटैच करने हैं. सो देख लो, अभी यहाँ है आपका वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. ये याद रखो बेटे कि आपको कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो ये तीन हाइड्रोजन से हो गई और चौथी ये वाले कार्बन से हो गई. अब ये कार्बन की वैलेंसी अगर सेटिस्फाई करनी है तो दो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, सिर्फ दो हाइड्रोजन लगाने हैं आपको, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको. आठ हाइड्रोजन मिल गए आपको. अब यहां से हमको कितने हाइड्रोजन माइनस करने हैं? दो निकालने के हैं अपने, कोई भी दो निकालेंगे आप. अगर दो हाइड्रोजन आपने निकाले तो
अगर सपोज आपने दो हाइड्रोजन ये निकाल दिए या ये निकाल दिए, तो यही जो कार्बन है इनकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फाइड कैसी होंगी? बाय फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। मैं दोनों स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ। यहाँ पे विथ माइनस टू हाइड्रोजन, हम ये दोनों हाइड्रोजन हटाएंगे पहले। यहाँ से आपने दोनों हाइड्रोजन हटा डाले तो कार्बन तो तीन है ही, है ना, 1, 2, 3। ये कार्बन का एक बॉन्ड हो गया। अब ये दोनों हाइड्रोजन अगर आप हटा रहे हो तो यहाँ का बॉन्ड इधर आ गया, हो दोनों हाइड्रोजन का बॉन्ड मिल जाएंगे, यू विल गेट अ डबल बॉन्ड। यहाँ से हाइड्रोजन कट हो गए। अब कट हो गए तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? देखो इधर, ये दो कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ये तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन हो गया। वॉट अबाउट दिस साइड? यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो हो गया, तीसरा, तीसरी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही, चौथी आपने लगा दी, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए सपोज। या पहले आप इधर लिख लो, इधर कितने हाइड्रोजन आना चाहिए? देखिए, छह हाइड्रोजन, दो हो गए आपके, तीन, चार, ये पांच, क्योंकि ये कार्बन के पास एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है, तो तीसरे तीन हाइड्रोजन से, और ये आ गया आपका छठा। देखो हर कार्बन की चार वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, है ना। सो C3H6। या फिर यू कैन गिव अनदर स्ट्रक्चर ऑल्सो इन दिस मैनर, दैट कैन बी गिवन इन दिस मैनर ऑल्सो, ये इस तरीके से आएगा। अब मैं ये वाले दोनों हाइड्रोजन हटा रही हूँ, ये दोनों हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ के तीनों हाइड्रोजन जैसे के वैसे, ये कार्बन 1, 2, 3, ठीक है। अब ये वाले हाइड्रोजन तीनों वैसी रहेंगे, यहाँ के ये हाइड्रोजन हट रहे हैं, तो पहले हम वो तीनों हाइड्रोजन वैसी लगा देते हैं, C1, 2, 3 हो गया। अब यहाँ के ये कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। हमने यहाँ के दो हाइड्रोजन हटाए तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, किसका? ये वाले हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड इधर आया, इट गिव्स यू द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन की तीन वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे सिर्फ दो सेटिस्फाई हो गए, तो दो हाइड्रोजन आ गए इधर, हुए क्या? नहीं, छह देख लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अल्कीन, दैट इज पेंटीन। कौन से कार्बन एटम पे बॉन्ड आ रहा, ये हम एक सिस्टम पढ़ेंगे, IUPAC सिस्टम, इन माय नेक्स्ट वीडियो, वहां पे फिर आप कैसे नेमिंग करते हैं, दैट आई विल टेल यू। ओके, सो अल्कीन्स के बारे में आई हैव गिवन यू अ शॉर्ट नोट।